आप सब, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने फार्मूला सब जानकर के फार्मूला के बारे में बेसिक से लेकर मतलब कि सूत्र के बारे में बताया और उस पर आधारित आज सवाल मतलब कंटिन्यू सवाल चल रहे थे, तो आप उस ऐसे मतलब कि आज उसी क्रम में हम बताने वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला बताएंगे और आपको इस पर सवाल बताएंगे। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब मान लीजिए अगर सवाल यहाँ दिए है, सबसे पहले आप सूत्र जानेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब इसी का एक फार्मूला और होता है a square plus b square, तो a minus b का whole square plus 2ab। अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या होगा माइनस में, अगर यहाँ माइनस में है यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में। इसी सूत्र पर हम आधारित एक सवाल देखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ सवाल दिया है। ठीक, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अब पहला वाला जो होता है वो a का मान होता है, दूसरा वाला जो होता है वो किसका मान होता है, b का मान होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, अब यहाँ देखिए सूत्र दिया है ना, तो सबसे पहले a का मान क्या है 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 5, a का मान 5 है b का मान 3 है। ठीक, दो सूत्र से a का मान 5 गुणे b का मान 3। ठीक, अब इसी को हल कर लीजिए, 5 और 3 का जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 8 का वर्ग हो जाएगा माइनस, यहाँ इसका गुणा करेंगे 5 गुना 10, 10 तीन 30 हो जाएगा। ठीक, अब 8 लाइन 64, 64 में माइनस 30 घटा दीजिए, तो यहाँ घटाएंगे 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 3 में से 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक, यही क्या हो गया आंसर हो गया। इसी पर आधारित हम और भी सवाल बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए अगली सवाल की हम बात करें। ठीक, तो आप बार बार सूत्र को क्या करेंगे, लिखेंगे, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा सूत्र याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए सवाल दिया है 2x या 4x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक, इसके रूप में दिया है, तो अब पहले हम क्या करेंगे सूत्र पहले लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है सूत्र, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही क्या होता है सूत्र होता है। तो अभी सूत्र पर हम क्या करेंगे, पहले वाले का मान a होता है, दूसरे वाले का मान b होता है। ठीक, दूसरे का मान b है, तो यहाँ हम क्या करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मान इतना है, a का मान 4x का स्क्वायर अर्थात कहने का अर्थ इसके रूप में लिखा है, और b का मान इतना लिखा है, तो हम लिखेंगे 4x प्लस 9y, 9y का स्क्वायर 9y हो जाएगा माइनस इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर माइनस, दो सूत्र से a का मान 4x, b का मान कितना है हमारा 9y। ठीक, अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, पूरा तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो अब सूत्र पे इसको रखेंगे, किसके कौन वाले सूत्र पे, a प्लस b का होल स्क्वायर हमारा सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यही सूत्र होता है, तो अब इसके ऊपर हम रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9y का स्क्वायर कर देंगे प्लस, दो सूत्र से a का मान 4x, b का मान 9y माइनस 2 गुणे a वाला हम उतार लेंगे यहाँ 4x गुणे 9y। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ 4 चौका 16x स्क्वायर प्लस 9 81y स्क्वायर प्लस, अब इसको जोड़ेंगे 9 चौका 36 दूना 72 एक्स वाई, इसका मतलब गुणा करेंगे माइनस, अब इसका गुणा 9 चौका 36 दूना 72 एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्या है प्लस में, ये वाला माइनस में, कट गया, तो हमारा आंसर 16x स्क्वायर प्लस 81
वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारा, यही आंसर आ गया। इसी प्रकार हम ये तो दूसरी सवाल थी, अब इसी प्रकार एक सवाल और बताने वाले हैं, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली सवाल बताते हैं, ठीक। तो देखिए आप, हमने बताया कि सूत्र को आप बार बार लिखिए, सूत्र क्या कीजिए बार बार लिखिए, तो जिससे क्या होगा आपको सूत्र आराम से याद हो जाएगा और आपको सवाल भी आराम से आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो अब इसको हम जोड़ देंगे। अब कहने का अर्थ यहाँ अगर मान लीजिए y या z कुछ भी दिया हुआ इस पर, तो अब पहले देखिए कि इस किस रूप में लिखा है, रूप में कहने का अर्थ इसके रूप में लिखा है, इसके रूप में लिखा है, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब की बार माइनस वाला लगा लीजिए, इसी को माइनस वाला भी लगा सकते हैं और प्लस भी वाला लगा सकते हैं, इसका a का मान 6x प्लस b का मान 5y, ये दोनों क्या है पूरा स्क्वायर के रूप में लिखा है, क्या स्क्वायर के रूप में लिखा है, ठीक। अब अभी अभी जो हमने अगली वाली सवाल बताया वो भी स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा, तभी सवाल बनेगा, ठीक। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर और उसके बाद इसका स्क्वायर, अब जब इसका स्क्वायर लगाएंगे ये वाला सूत्र बन गया, तो अब इसी सूत्र पे रख दीजिए, तो ए का मान हमारा 6x है प्लस बी का मान यहाँ माइनस लगा है, तो सूत्र वाला माइनस लगा दीजिए, 5y का होल स्क्वायर प्लस दो सूत्र में a का मान 6x है b का मान 5y है, ठीक। अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, कहने का अर्थ a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हमारा सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही सूत्र होता है, तो हम a स्क्वायर करेंगे प्लस 5y का स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ माइनस लगा है तो माइनस दो सूत्र से 6x गुणे बी का मान, जी का मान हमारा कितना है 5y, अभी वाला हम तल लेंगे प्लस 2 × 6x 5 × 5y, ठीक। अब देखिए यहाँ इसका करेंगे 6×6 36x² हो जाएगा प्लस 5×5 25y² हो जाएगा, अब इसका गुणा कर लीजिए 6×5 30 × 60 xy प्लस 6×12 50 60 60xy, ठीक। अभी वाला प्लस में माइनस में कट गया, अब यहाँ 36x² हो गया, यहाँ 25y² हो गया, ठीक। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार हम और भी सवाल हल कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर रोज के ऐसे नए नए वीडियो आप तक जरूर पहुँचे, और ऐसे ही सवाल आपको हम सब साथियों के आधारित पर हम सवाल पूरी